अमृत सरोवर। आगम सरोवर, आगम के इस अमृत सरोवर में डुबकी लगाने से हमें और तुम्हें आत्मा का अनुभव होता है। आत्मा का अनुभव ही ज्ञान का उद्देश्य है। आत्मा का दिखना ही हमारा सम्यक दर्शन है। इसको जानने के लिए, इसका अनुभव करने के लिए जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं वो चरित्र है। तपस्या चरित्र का एक अंग होता है। इन अंगों की साधना आराधना आत्मा की साधना है। सत्रवां अध्ययन पाप श्रमणीय, पाप श्रमण। घर का त्याग करने के बाद अगर हम ये नहीं करते तो भी हम पापी हैं, और ये करते हैं तो भी हम पापी हैं। आत्मा की तरफ ध्यान ना दें तो भी हम पापी हैं। आत्मा का ध्यान हटाने के लिए मान सम्मान और कसायों के भंवर जाल में फंस जाएं तो भी हम पापी हैं। महावीर की बताई हुई अनुपम साधना के माध्यम से हम प्रशंसापेक्षी बने, प्रशंसा के आकांक्षी बने, मान सम्मान के पिपासु बने तो भी हम पापी हैं। लोग मेरी जय जयकार करें तो भी ये भाव हमें पापी शर्मन बनाते हैं, और ये हम बार बार बोलते आए हैं। हमारा तुम्हारा कोई भी पाप है, कोई भी धर्म है, वो भाव के आधार पर निश्चित होता है। हमारी जैन परंपरा में सारा खेल जो है वो भावनाओं का है। जिसके जैसे भाव उसका वैसा ही प्रभाव होता है। वेश जो बाहर का वेश है, वेश महत्वपूर्ण तो है लेकिन अति महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं आपके और हमारे भाव हैं, और हम जब कभी भी मन के योग से जुड़ जाते हैं, मनोरंजन के चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि महावीर की साधना मनोरंजन की नहीं है, महावीर की साधना मनोभंजन की है। मन के रहते मन का भंजन कैसे हो, मन से मुक्त कैसे हो, क्योंकि मन से मुक्त हुए बिना, मन यानी माइंड, यहां पर माइंड लेकर के चलना है आपको,
जब तक हम मन से मुक्त नहीं होते हैं तब तक हम इसके गुलाम रहते हैं, या यूं कहूं कि जब तक हमारी आत्मा प्रधान नहीं होती है, मुख्य नहीं होती है, तब तक मन हमें अपना गुलाम बना करके रखता है। जब हम आत्म भाव में प्रवेश करते हैं, आत्म भाव के अमृत का पान करते हैं, आत्मा को हम अपने समक्ष रखते हैं, तो मन हमारा गुलाम हो जाता है। बस ये फैसला करना है कि मन हमारा गुलाम है या हम मन के गुलाम हैं। बस ये फैसला करना, मन के गुलाम हैं तो आप हो चाहे हम हो पापी हैं, क्योंकि ये हमें पाप की तरफ खींच करके लेके जाता है, तो इसके प्रभाव से हम भी पापी हो जाते हैं। लेकिन मन भी एक शक्ति बन जाती है जब हम आत्मा के प्रभाव में रहते हैं। जब मन की कोई चाल चलती नहीं है तो वो हमारी हेल्प करने लगता है, भाई ठीक है भाई जो तुम चाहो हम तो तुम्हारी गुलामी कर लेंगे। तो मन जब हमारी गुलामिता स्वीकार करता है, जबकि मन को बड़ा कष्ट होता है, बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि मन हमेशा इस मोहनीय कर्म के प्रभाव से राजा बना हुआ है और मोहनीय राजा ने उसको पूरी खुराक दे रखी है, पूरी छूट दे रखी है, तू मौज कर, मेरा तेरे ऊपर हाथ है, आशीर्वाद है, टेंशन मत ले। और देख मेरे एक काम कर, ये जितनी दुनिया है ना इनको तू मेरा मेरे से जोड़े रख, मेरे से संपर्क में रख, मेरा प्रभाव छोड़ इनके ऊपर, तू मेरा दूत है, तू मेरा दास है, और जितना इस दुनिया को तू मेरे चक्कर में बचा, मेरे चक्कर में लगा करके रखेगा, मैं तेरे ऊपर उतना ही मेहरबान रहूंगा। तो इसलिए कहता हूं कि मोहनीय कर्म के प्रभाव से मन बलवान होता है। मोहनीय कर्म मैत्री भाव की मजबूती से मन कमजोर होता है। इसलिए कभी कभी हम लोग बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं, कभी कभी हम मोह और मैत्री को एक ही समझ लेते हैं। मन जिसे मन को जो बलवान बनाए वो मोह कहलाता है, और मन जहां कमजोर हो वो मैत्री भाव कहलाता है। महावीर ने मोह की साधना की या मैत्री की? हमें जो संदेश दिया मोह का या मैत्री का? मैत्री का संदेश दिया, लेकिन हम कभी गौर नहीं करते, हम महावीर के संदेश को इग्नोर करते चले जाते हैं। ये इग्नोरेंस जो भी है, ये जो उपेक्षा भाव है, ये हमें पापी बनाता है, ये इसकी मेन थीम है। लीजिए चार लाइनें सुना करके चरित्र इस 17वें अध्ययन की रहस्यों को थोड़ा थोड़ा खोलते हैं। ले प्रवज्या, क्योंकि आज की सभा में मेरी दीक्षार्थी बहनें भी बैठी हैं, जिसके अंदर सिमरन भी है, प्रीति भी है, और सूरत से आई अदिति भी है। तो आज संयोग ऐसा मिल गया कि इनको हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए इसका संदेश भी मिल रहा है, और ये संयोग है, और ये हमारी पुनवानी होती है कि जब कभी हम जिनवानी सुने और जिस रास्ते का हमने चयन किया है उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए कहीं से भी हमें पाथे या मिले पाथे, क्योंकि रास्ते में जो काम आने वाली चीजें हैं उनको हम क्या कहते हैं? पाथे। पथ पर जो काम आए उसे हम पाथे या कहते हैं। रास्ते में जो काम आए, जो जरूरी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारी यात्रा सुगमता के साथ संपन्न होवे, हमें इधर उधर भटकना ना पड़े, एक दूसरे की तरफ लाचार होकर के देखना ना पड़े, जहां हमारा स्वावलंबन हो, ऐसा पाथे हमारे साथ हो, तो उसे हम उत्तम पाथे कहते हैं। और उत्तम पाथे के साथ जब हम पथ पर पथिक बनते हैं तो वो हमारी आध्यात्मिक साधना बनती है। तो मेरी दीक्षार्थी बहनों के लिए अमृत है ये, इसको ग्रहण करें, इनके बहाने आप भी ग्रहण करें, आपके बहाने मैं भी ग्रहण करूं, ये हमारा प्रयास रहे। ले प्रवर्ज्या,
सिंह वृत्ति से पर न वैसी पालना बन के स्वेच्छा चारी फिरना श्रमण चरिया टालना गुरुजनों से व्यर्थ वह गुरुजनों से व्यर्थ वह करता रहे प्रतिवाद है पापी शर्मन को अंत में केवल मिले अवसाद है पापी श्रमण को अंत में केवल मिले अवसाद है। अवसाद यानी डिप्रेशन। साधु बनने के बाद अगर हमें पछतावा होता है तो इससे बड़ा कोई डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। और पश्चाताप उन्हीं को होता है, किन किन को होता है, जो अपने पथ को छोड़कर भटक जाते हैं, जो अपने रास्ते से भटक जाते हैं, अपने मार्ग से भटक जाते हैं, राजपथ को छोड़कर जो जंगलों में रास्ता भटक जाते हैं। और इसलिए कहावत आती है चलना सड़क का, चलना सड़क का, चाहे फेर क्यों ना हो, चलना सड़क का चाहे फेर क्यों ना हो, बैठना भाइयों का चाहे बेर क्यों ना हो, बैठना भाइयों का चाहे बेर क्यों ना हो। इसका मतलब क्या कि सड़क से चलो, तुम कभी भटकोगे नहीं, चाहे रास्ता लंबा पड़े कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। कहीं ऐसा ना हो छोटा रास्ता करने के चक्कर में कहीं और ऐसे भटक जाओ, ऐसे भटक जाओ कि रास्ता ही, रास्ते पर ही आना भूल जाओ। तो चलना सड़क का चाहे फेर क्यों ना हो, बैठना भाइयों का चाहे बेर क्यों ना हो, रहो अपने भाइयों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, खून के रिश्तों के बीच में रहो, चाहे आपस में कहा सुनी क्यों ना हो गई हो, क्योंकि वो भाई अपना मारेगा तो मार के ठंडक में ही डालेगा। हाँ, अपनापन कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा। इसलिए इस रास्ते को देखना है कि अवसाद में नहीं जाना, पश्चाताप में नहीं जाना, डिप्रेशन में नहीं जाना। और संत बनने के बाद भी अगर आनंद नहीं आया तो हमने और बनने वालों ने अपना समय बर्बाद किया है। संतपने में आनंद नहीं आए ये संतत्व का प्रभाव नहीं है, ये हमारे प्रमाद का प्रभाव है, ये हमारे प्रमाद का प्रभाव है, आलस्य का प्रभाव है, हमारे कसायों का प्रभाव है। नहीं तो सच कहता हूं संतों से ज्यादा सुखी इस दुनिया में कोई नहीं है। साधु भाव के आगे इंद्र का वैभव भी फीका पड़ जाता है, चक्रवर्ती की सुख सुविधाएं भी तुच्छ, जिसने आनंद लिया हो। ये उनकी दृष्टि से बोल रहा हूं। और लेकिन जो संत ही ये सोच के बनाओ भाई खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे बस, ना कमाने का झंझट, ना कहीं भाग दौड़ी, लोग बनाएंगे हम लेके आएंगे खाएंगे खाके सो जाएंगे और क्या मजा है। और ऊपर से लोग कहेंगे मथेन वंदामी, गुरु महाराज साता है भाई, ऊपर से सम्मान मिलेगा भाई, इससे बढ़िया कौन सा रास्ता हो सकता है। ये सोच करके जो दीक्षा लेता है वो पापी होता है। हमें ये सोचना चाहिए, जो समाज हमें इतना सर माथे पे रखती है, जो संघ हमारा इतना सम्मान करता है, हमारी हर बातों का ध्यान रखता है, दवाई के समय दवा देती है, भोजन के समय भोजन देती है, वस्त्र के समय वस्त्र देती है, पानी की जगह पानी देती है, स्थान की जगह स्थान देती है, हमें कोई चिंता नहीं देती, हम समाज को क्या देते हैं। हमारे गुरुदेव फरमाया करते थे कि गृहस्थियों के अन्न खाने के बाद
क्योंकि फ्री का है ना, अन्न खाने के बाद या भजन करो या प्रवचन करो या तपस्या करो, क्योंकि अगर इस भोजन को खाने के बाद अगर स्वाध्याय नहीं किया, सेवा नहीं की, तपस्या नहीं की, धर्म ध्यान नहीं किया, गुरुओं की सेवा नहीं की, तो यही अन्न जो है दांत बन जाएंगे। दांत, ये अन्न में दांत भी हैं जो हमारी पेट की आंत को बाहर निकालेंगे। साधुता की एक आंत है, क्योंकि आंत के ऊपर भी हमारा पाचन तंत्र टिका हुआ है। अगर आंत ही कट गई तो हमारी जिंदगी खतरे के अंदर आ जाएगी। तो कहा कि भोजन खाने के बाद, और आप लोगों का भोजन को पचाने के लिए, क्योंकि पुराना जमाना अलग था, आज का जमाना बहुत दूसरा है। पहले जो हमारा श्रावक वर्ग था नेक नियत की कमाई कमाता था, मेहनत की कमाई करता था, गांव में रहता था, मेहनत करता था, खेती बाड़ी करता था, उसकी कमाई खाता था, तो उस भोजन में कहीं ना कहीं मेहनत थी। अब आज के भोजन जो जिस धन के द्वारा बनता है, वो धन पता नहीं कितने झूठ के साथ आया है, कितनों के साथ दगा करने के बाद आया है, कितनी लूट और खसोट के बाद आया है, कितनी लालच वृत्ति के बाद कमाया, कितने कंपटीशन के बाद, क्योंकि कंपटीशन प्रतियोगिता है भैया। और एंड कैन प्रकार, चाहे मुझे पैसा कमाना, चाहे किसी भी तरह से आए, ये भावना भा करके जब कोई भी गृहस्थी पैसा कमाता है, फिर ये कोई सोचता है कि पैसा ये सच्चा है या अच्छा है, नेक नियत का है, ईमानदारी का है, ये तो हम सोचते नहीं है। लेकिन ये तो आप मानोगे, पहले पैसा अधिकांशतः श्रावकों के पास, श्रावकों की, मैं हम आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो महावीर से जुड़ा था, शासन से जुड़ा था, जिन शासन से जुड़ा था, स्वाध्याय से जुड़ा था, आगम से जुड़ा था, वो 15 कर्मादानों को छोड़ करके क्या कमाता था? पहले का श्रावक 15 कर्मादानों का विशेषकर ध्यान रखा करता, अनर्थ दंड का ध्यान रखा करता था। इन चीजों का ध्यान रखने के बाद वो ये सोचता था कि पैसे में कहीं किसी का खून लग करके न आ जाए, और ये खून का पैसा मैं अपने बच्चों को नहीं खिला सकता हूं, कहीं उनमें हिंसा की भावना पैदा ना हो जाए और कहीं महावीर का शासन खतरे में ना पड़ जाए, पहले ये श्रावक सोचा करता था। तो मैं तो आज ये भी कहता हूं, अपने संतों को समझ लीजिए, दीक्षार्थियों को समझ लीजिए, कि आज के भोजन को पचाना बहुत कठिन है, और इसको पचाने के लिए कुछ ना कुछ त्याग, कुछ ना कुछ सेवा, कुछ ना कुछ सहनशीलता, कुछ ना कुछ अपने आत्म धर्म को स्वीकार करना होगा, तभी हम इस भोजन को पचा सकते हैं। कुछ ना कुछ सहयोग करना पड़ेगा, गुरा गुरानी की सेवा करनी पड़ेगी, स्वाध्याय करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ त्याग प्रत्याख्यान करना पड़ेगा। स्वच्छाचारी नहीं बनना, मन मर्जी नहीं करनी, मन मर्जी करोगे पापी श्रवण कहलाओगे। आत्मा को सामने रख करके कुछ भी कीजिए, आपको धर्म होता रहेगा, और मन को सामने करोगे। इसलिए कहते हैं कि संतों के लिए एक विशेष हिदायत दी गई है कि मनमुखी नहीं बनना। क्या नहीं बनना? मनमुखी, यानी मन को सामने रख करके नहीं चलना, मनमुखी नहीं बनना। या तो बनो गुरुमुखी, गुरु को सामने रखो, या आत्ममुखी बनो, आत्मा को सामने रखो। आत्मा को सामने रखने से, गुरु को सामने रखने से, महावीर को सामने रखने से, परम गुरु को, सदगुरु को सामने रखने से हम कभी भी रास्ता भटकेंगे नहीं। अगर रास्ते पर चल पड़े तो इस जैसा आनंद नहीं, और रास्ते से भटक गए तो इससे बड़ा कोई डिप्रेशन होता नहीं है। ये डिप्रेशन, साधु आर्त ध्यान करे, रोदर ध्यान करे, ये संतत्व के ऊपर कलंक है। हाय बर्बाद हो गया, हाय कोना सम्मान को ना मिलो रे, मैं जहां जाऊं पता नहीं रोटी भी ढंग से नहीं देते रे। अरे काहे रोटी के काहे को चक्कर में पड़ गया भैया, तो रोटी को खाने के लिए कोई संत कोई बनो है तुम, कम से कम हम अपनी आत्मा को, क्योंकि हर प्रतिकूल अनुकूल दोनों ही स्थिति के अंदर हमको संभालना है। ले प्रवज्ञा सिंह वृत्ति से, क्योंकि जब हमारी बहनें, हमारे बैरागी भाई बहन जब दीक्षा लेते हैं ना, तो जो तख्त होता है ना उसके ऊपर जोर से पांव पटकते हैं, ऐसे दिखाते जैसे कि बस हमने अब कदम बढ़ा दिया है,
अब हम आगे कभी हम पीछे हटेंगे नहीं, इतनी सिंह वृत्ति दिखाते हैं, पर लेकिन जो जो समय बढ़ता रहता है फिर हम गिरफ्त में आते चले जाते हैं। तो जिस सिंह वृत्ति से हमने जन्म लिया है, क्योंकि दीक्षा लेना बहादुरी का काम है, कायरों का काम नहीं है। ये आत्ममुखी गुरुमुखी की साधना है, जो आत्मा को पसंद करता है, जो अपने गुरुओं को पसंद करता है, चयन करता है, माँ बाप का रिश्ता तोड़कर अपने गुरु और गुरानी से रिश्ता जोड़ता है, ये शेरों का काम है, ये बहादुरों का काम है। और इन बहादुरी के पथ पर जो कदम बढ़ा दिया है, फिर ये सोचना है कि मैंने शेर की तरह संयम लिया है तो गिद्धों की तरह इस संयम की पालना नहीं करूंगा, आए हुए दुखों का सामना करूंगा, वो भी मुस्कुराते हुए, वो भी हंसते हुए, वो भी संभाव में रहते हुए। ये जब हम भावना रखते हैं, क्योंकि एक बात ये भी कहता हूं मैं आप लोगों को कि बड़ी से बड़ी तपस्या करना भी आसान है, लेकिन विपरीत माहौल में अपने आप को संभाव में रखना बहुत मुश्किल होता है। तपस्या करनी आसान है, लेकिन किसी के अपशब्द सुनकर मन में खेद नहीं आवे तो इससे बड़ी कोई साधना नहीं हो सकती। मैंने कहा भी था एक दिन, आपको याद हो, 67 लाख दिनों की तपस्या करने से जितने कर्मों की निर्जरा होती है, कितने? 67, जिसको तुम मराठी में समझ लो अपना, मैं तो 67 डेज के, 67 लाख दिनों की तपस्या करने से जितने कर्मों की निर्जरा होती है, उतने कर्मों की निर्जरा एक गाली को संभाव से सहन करने से हो जाती है। कहां 67 लाख दिनों की तपस्या और कहां एक गाली को संभाव से, संभाव से मतलब गाली ने कोई प्रभाव नहीं डाला, मन में कोई विचलन नहीं किया, कोई तनाव नहीं आया, आनंद, और यह समझा कि मेरी गाली मुझे वापिस कर करके बड़ी कृपा करी ताकि मुझे पता चल जाए मैंने भी किसी को आज के बाद गाली नहीं देनी है, ऐसा गाली सुनकर के गाली नहीं देने के भाव आए, ये साधना है। बुरा किसी की निंदा सुनने के बाद हमारे अंदर उसके लिए निंदा के भाव ना आए, ये हमारी साधना है और इस साधना को हमने करना है। तुमसे तपस्या नहीं होती मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर अपने को संभाव में रखना यह भी एक बहुत बड़ी साधिता है। बन के स्वेच्छाचारी पिरना, शर्मनचर्या को टालना, स्वेच्छाचारी नहीं होना, मनमौजी नहीं बनना, ये कोई कई लोग कह देते साधु मनमौजी होता है, ना मनमौजी नहीं होता, आत्मखोजी होता है, मनमौजी नहीं बल्कि आत्म खोजी होता है। आत्मा की खोज करना ही हमारी मौज है। मन मौजी बनेंगे कभी ना कभी गिरेंगे, आत्म खोजी बनेंगे तो जहां आत्मा का असली घर है वहां तक हम पहुंच जाएंगे। और आत्मा के खोजने का एक ही तरीका नहीं है, यानी मुक्ति में जाने का केवल एक ही, जितने पाप के रास्ते हैं ना उतने ही धर्म के भी, हाँ उतने ही धर्म के रास्ते। क्रोध अगर पाप का रास्ता है तो क्षमा धर्म का रास्ता है, मान अगर पाप का रास्ता है तो विनम्रता धर्म का रास्ता। आप देखते जाइए कि जितने ही पाप के रास्ते हैं उतने ही मुक्ति के भी रास्ते हैं, किसी भी रास्ते से आप मुक्ति के अंदर जा सकते हो। तो हमें उसके अपोजिट जाना है, एक है करुणा एक है क्रूरता, क्रूरता हिंसा का रास्ता है, करुणा मुक्ति और धर्म का रास्ता। वीर प्रभु की अंतिम सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन मिला उपाश्रय है रहने को, वस्त्रों का क्या कहना, प्रिय कारी भोजन मिलता तो पढ़ने से क्या करना, दृश्य जगत में जान रहा हूँ, दृश्य जगत में जान रहा हूँ, ऐसी दुर्मति टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन
ये नहीं सोचना बड़गांव शेरी जैसा बढ़िया स्थानक मिल गया रहने को और क्या चाहिए है? और वस्त्र भी बढ़िया से बढ़िया बिचारे श्रावक ला करके देते और क्या करना है, और भोजन भी बढ़िया से बढ़िया मिलता है, मलाई मार के दूध मिलता है, कहीं रबड़ी मिलती है और कभी कुछ मिलता है, और क्या करना है, फिर पढ़ करके करूंगा क्या? अरे बाना उसको भी पुजवा रहा है जो पढ़ा लिखा नहीं है, और बाना उसको भी पुजवा रहा है जो पढ़ा लिखा है, तो जब पढ़ा लिखे को भी वही सम्मान मिल रहा है इस बाने को पहनने के बाद, तो मैं क्या करूंगा पढ़ लिख करके, मैं खाऊंगा पीऊंगा मौज करूंगा, ये जो सोचना है। और दूसरी बात, मैं दुनिया को देखता हूं, दुनिया का ज्ञाता हूं। अरे भैया, दुनिया का ज्ञाता बनने के लिए तो साधु नहीं बना है, इस दुनिया के अंदर रहते रहते अंदर की भी दुनिया की तुझे जानकारी मिल जाए, वो उस जानकारी को पाने के लिए, क्योंकि एक जगत बाह्य है और एक जगत अंदर का है, अंतर का जो जगत है वो आत्मा का जगत है, और बाहर के जगत को मैंने इसलिए छोड़ा ताकि मैं अंतर जगत में प्रवेश कर सकूं, इसलिए मैंने बाहर के जगत को छोड़ा है, तो मैं कितना अंतर जगत में जा चुका हूं ये हमें विचार करना है। वीर प्रभु की अंतिम सुन लो और सुना लो, जीवन जीवन। दूसरी बात, श्रुत विनय जिनसे सीखा है उनकी निंदा करता करे न सेवा भक्ति उनकी पूज्य भावना रखता, खुद को श्रेष्ठ समझना छोड़ो, खुद को श्रेष्ठ समझना छोड़ो, अपना अहम निकालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। जिनसे भी मैंने कोई एक अक्षर सीखा है, एक पन्ना जिनसे पढ़ना सीखा है, जिंदगी के अंदर आज संकल्प लेता हूं कि मैं अपने ज्ञान दाता गुरु की कभी भी निंदा नहीं करूंगा और मैं उनकी सेवा करूंगा, उनको हमेशा पूजनीय भाव पर रखूंगा। और याद रख लेना, जो अपने जन्मदाता माता पिता और ज्ञान दाता गुरु और गुरानी के अंदर जो कमियां ढूंढता है वो कभी भी अच्छा संत और साध्वी बन ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार, क्योंकि जब हम अपने को श्रेष्ठ समझते हैं दूसरे को हम नीचा समझते हैं। जो अपने आप को ऊंचा समझता है वो वही समझ सकता है जो दूसरों को, और मैं आपको बतला दूं, दूसरों को कब तक नीचा समझोगे? अगर तुम दूसरों को नीचा समझते रहोगे एक दिन वो भी आ जाएगा, तुम अपने माँ बाप और गुरुओं को भी नीचा समझने लग जाओ, क्योंकि वो बुराई अगर बलवती हो गई, मजबूत हो गई, तो वो बुराई वहां तक हमें ले जाएगी। वीर प्रभु की अंतिम सुन लो और सुना लो, जीवन जीवन धन। हम सबके लिए एक चीज और सोचने वाली है, विकृतकारी भोज करे नित तप से दूर ही रहता, सीख नहीं कोई भी सुनता दिन भर खाता रहता, उल्टा दे उपदेश गुरु को, उल्टा दे उपदेश गुरु को, ऐसे दोष निकालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु के सुन लो रे सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। कभी कभी संत बनने के बाद क्या होता है ये भी शास्त्र ने समझाया है, गुरु जनों में दोष बताकर इतर गणों में जाता। भाई मारो गुरु ठीक को नहीं, मैं तो दूसरे गुरु के पास जाऊं। गुरु जनों में दोष बताकर
इतर गनों में जाता पर घर में धन अर्जन करने निमित ज्ञान बतलाता। लिप्त नहीं हो, लिप्त नहीं हो उन धंधों में, लिप्त नहीं हो उन धंधों में, अपना धर्म संभालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो वीर प्रभु के। सुन लो सुना लो, जीवन धन्य बना लो जीवन। आजकल हमारे संतों और साधुओं में एक और कमी आती जा रही है कि अपना प्रभाव लोगों पर छोड़ने के लिए कोई ज्योतिषी पढ़ रहा है, कोई हाथ देख रहा है, कोई जन्म पत्रियां बना रहा है, कोई मंदी तेजी बता रहा है, केवल लोगों को अपने से प्रभावित करने के लिए, केवल अपना सम्मान पाने के लिए, ताकि लोग मेरे ऊपर भरे रहे, लोगों की लाइन लगी रहे। गुरु महाराज जय हो, मारा कमाल हो गया, आपकी कृपा से माला माल हो गया, और क्या चाहिए महाराज, क्या कृपा है आपकी। और ये शब्द सुन सुन करके, और मैं सच कहता हूं, चाहे मैं भी क्यों ना हूं, अगर मैं कोई ज्योतिषी का काम करता हूं, कोई मंदी तेजी बताता हूं, मैंने एक बार भी मंदी तेजी बताई ना तो अनंत जन्म मैंने अपने बढ़ा लेता हूं, अनंत जन्मों तक भटकना पड़ेगा। केवल एक बार बताने से, एक बार बताने से मुझे जन्म जन्मांतर तक भटकना पड़ता है, तो मैं क्यों लोगों को गलत फहमी में डालूं, मैं जबकि मुझे मालूम है मैं भगवान का उपदेष्टा हूं, मैं भगवान की बात जानता हूं, और वहां पर यह कहा गया है कि कड़ान कम्मान ना मौका थी, जब तक मैं किए हुए कर्मों का फल नहीं भुगत लूंगा तब तक मैं उन कर्मों से मुक्त हो नहीं पाऊंगा, और मुझे अपने किए फल तो भोगने ही पड़ेंगे। तो तू कौन होता है किसी की किस्मत बदलने वाला रे, बदलना है तो अपनी किस्मत बदल, बदलना है तो अपने भाव बदल, बदलना है तो अपने कर्म बदल। दूसरे को काहे को बदलने को चला है, दूसरे का घर बनाने को चला है और खुद अपने घर का त्याग करके बैठा हुआ है, ये कौन सी बात है। तो कोशिश करना, अगर मैं किसी को भी प्रेरणा देता हूं, रिश्ते करवाता हूं, लड़के और लड़कियों के रिश्ते करवाता हूं, तुम्हें मालूम है मैं अपने ब्रह्मचर्य व्रत को ही खंडित कर लेता हूं। यानी मेरी प्रेरणा से कुछ भी अगर हो रहा है संसार के अंदर, आपको बतलाऊं, संत इस भाव से भी ना जावे किसी दुकान में कि इसकी दुकान बहुत अच्छी चले, इसका घटिया माल बढ़िया दाम में बिक जावे और शाम को आके मारी जय जयकार करे, ये भाव से भी हमको ये काम नहीं करना। कितने कारण, बहुत कारण है, मैं बताऊं तो बहुत व्याख्या हो जाएगी, पर लेकिन ये पाप शर्मन का इधर रखता हूं। अब चलते हैं किधर, 18वां अध्ययन है, संजीये, संजीये नाम का अध्ययन है। संजय यहां पर एक राजा है, जग से जाता, इसकी थीम मूल प्रेरणा क्या है, जग से जाना है अकेले, हम सब इसमें सोच विचार अवश्य करें, मैं भी और आप भी, जग से जाना है अकेले, इससे ममता ना करो, साथ जाते कर्म सारे, अशुभ कर्मों से डरो, असत्य है एकांत दृष्टि, असत्य है एकांत दृष्टि, उससे बच कर के चलो। संजय मुनि ने जो किया उससे शिक्षा ले चलो, संजय मुनि ने जो किया उससे शिक्षा ले चलो। क्या देता है प्रेरणा या 18वां अध्ययन, जग से जाना है अकेले, इससे ममता ना करो, ये सोच करके तैयार रहो, आया हूं अकेला, जाऊंगा भी अकेला, ये पहले विश्वास करो, और मैं कभी भी जा सकता हूं, हाँ कम से कम मैं चरम शरीरी हूं नहीं, जितनी उम्र ली है मैं उतना ही उम्र भोगूं, इसकी कोई गारंटी
हाँ, मेरी उम्र 7 कारणों से टूट सकती है, भंग हो सकती है, कभी भी मर सकता हूं रे भैया। ना ना ना, विश्वास करना नहीं। जवानी में रह करके ये नहीं सोचना मैं बुढ़ापे में जाके मरूंगा, और बूढ़े बुढ़ों को देख करके उनका कमाल है, ये 80 साल का नहीं मरा, अभी 90 साल का होगा, इतनी भी नहीं मरा, मैं अभी कोई मरने वाला हूं। अरे भैया कमाल की बात, उसकी उम्र उसकी है, तेरी उम्र तेरी है, दूसरे की उम्र से अपनी उम्र का कभी भी अंदाजा लगाना नहीं। और ये ध्यान करके जाना है कि जब मैं जाऊंगा इस दुनिया से, मेरे साथ दुनिया की कोई दौलत तो नहीं जाएगी, लेकिन मेरे किए हुए कर्म मेरे साथ जाने वाले हैं, और मैं क्या लेकर के जाऊंगा पहले इसका हिसाब लगा लूं। मुझे अगले जन्म में रोना है या हंसना है, मैंने अगले जन्म में स्वस्थ रहना या बीमार रहना है, मैंने अगले जन्म में आपत्ति मुसीबत की जिंदगी जीनी है या स्वस्थ और समृद्धि का जीवन जीना है, ये पहले हिसाब लगा लूं। क्योंकि अगर मैं किसी को बर्बाद करूंगा, बर्बाद करने के भाव में मरूंगा, तो अगले जन्म में मुझे भी बर्बाद होना पड़ेगा। किसी के साथ धोखा देकर के मरूंगा तो अगले जन्म में भी मुझे धोखा खाना पड़ेगा, ये पहले सोच लेना चाहिए। क्योंकि मेरे कर्म मेरे साथ जाने वाले हैं, मैं बिना कर्मों के जाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा कारमन शरीर कर्म पुद्गल शुभ है या अशुभ है इसका हिसाब मुझे लगाना है। मेरा जो कारमन शरीर में अगर अशुभ पुद्गल ज्यादा हैं, पाप के पुद्गल ज्यादा हैं, तो मुझे उसी उन्हीं पुद्गलों के अनुरूप मुझे गति मिलने वाली है, और वो पुद्गल अशुभ है तो अशुभ गति मिलेगी, शुभ है तो शुभ मिलेगी। मुझे क्या कमाना है ये मैंने पहले सोच लेना है, और जीवन के अंदर असत्य है एकांत दृष्टि, इससे बच करके चलो। ये मैं आप लोगों को भी बतलाना चाहता हूँ, मैं खुद भी बचना चाहता हूँ। एकांत दृष्टि से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। एकांत दृष्टि किसको कहते हैं? एकांत दृष्टि कहते हैं कि मेरी बात ही सही है, मेरा ही रास्ता सही है, बाकी सब पाखंडी है, मैं ही सच्चा हूं। और ये बहुत गजब का जैन संतों ने धंधा चला रखा है, हम ही सम्यक्त्व हैं, हमारे अलावा सब मिथ्या दृष्टि हैं। जो ये बात बोलते हैं, जो हम करते हैं वो हम श्रमण पर्याय के अनुसार करते हैं, दूसरे जो करते हैं वो पापी श्रमण है। हमें किसी के दोष देखने की दृष्टि लानी, एकांत दृष्टि रहेगी तो दोष आएंगे ही आएंगे। एकांत दृष्टि के लिए भगवान ने इसलिए मना किया कि एकांत दृष्टि में दोष आ सकते हैं, अनेकांत दृष्टि में मैत्री भाव आ सकता है। जो मोह निय कर्म के प्रभाव में रहता है, मेरी बात को गौर करना जो मैं बोल रहा हूं, जो मोहनीय कर्म के प्रभाव में रहता है उसको एकांत दृष्टि आती है, और जो मैत्री भाव के प्रभाव में रहता है उसको अनेकांत दृष्टि आती है। देखो कितना गजब का प्रभाव है। एकांत मोह किसी संप्रदाय के साधु के अलावा दूसरे साधु तुम्हें अच्छे ना लगे, ये एकांत दृष्टि है या अनेकांत दृष्टि? ये है एकांत दृष्टि। भाई मैंने इन्हीं के पास समाई करनी है, इन्हीं को आहार देना है, इन्हीं को वंदना करनी है, ये एकांत दृष्टि है। ये मैत्री भाव से पैदा नहीं हुई। किससे पैदा हुई? मोहनीय कर्म के प्रभाव से, मोह से पैदा। भाई इनके अलावा मैंने मानना ही नहीं किसी को, बस मारो गुरु सच्चो बाकी सब झूठे। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं आप सभी से, मुझे हक है अपनी मां की प्रशंसा करने का, मुझे हक है। मैं ये कह सकता हूं मेरी मां बहुत अच्छी है, पर लेकिन हमें यह हक नहीं है तेरी मां बहुत गंदी है। आपको अपनी मां की प्रशंसा करने की छूट है, लेकिन किसी दूसरे की मां को बुराई करना, उसको दोषी बताना, उसके उसके लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना, हमको कोई भी हक नहीं है। आप कहिए कि हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन साथ में ये मत जोड़िए कि दूसरों के गुरु वो गंदे हैं, वो शिथिलाचारी हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं। क्या फायदा मिलेगा? निंदा करने से उनका कुछ बिगड़े ना बिगड़े, लेकिन थारो जरूर बिगड़ने वाला है। तुम्हारे भाव बिगड़ गए तुम्हारा ही बिगड़ेगा ना। तो इसलिए मन में ये भाव रखना है, एकांत दृष्टि कभी नहीं लानी। और श्रावक कभी एकांत दृष्टि में जाता ही नहीं, बताओ क्यों नहीं जाता है?
साराव के 21 गुणों के अंदर एक गुण कौन सा आया है? 21 गुणों के अंदर एक गुण है गुण दृष्टि। श्रावक उसको कहते हैं जो केवल गुणों को देखता है। किनको देखता है? गुणों को देखता है। गुण दृष्टि, दोष दृष्टि श्रावक का गुण नहीं है। गुण दृष्टि, गुण ढूंढना, और गुण ढूंढोगे तो निंदा होएगी नहीं। निंदा कब आती बोलो? जब हम दुर्गुण ढूंढते हैं, जब हम दोष ढूंढते हैं तो बुराई आएगी, और जब हम केवल गुण देखते हैं तो सम्मान के भाव आते हैं, प्रशंसा के भाव आते हैं। और इस दृष्टि से एक लाभ होता है कि कम से कम अशुभ कर्म के पुद्गल आपकी आत्मा से चिपकते नहीं है। तो ये हुई है घटना। संजय राजा आखेट यानी शिकार करने को निकला। संक्षेप में बोल रहा हूं, कांपिल्यपुर का राजा है, केसर वन है, सेना उसके साथ है, खुद सबसे आगे है, शिकार करने निकला है। बस निकला है तो किस चीज के लिए निकला? शिकार करने। शिकार का मतलब समझ गए? किसी को मारने के लिए निकला है। शिकार इसलिए शब्द गलत है, शिकार यानी किसी को मारने के लिए निकला, यानी घर से भी निकला तो मारने के लिए निकला, ना कि किसी को जीवन देने के लिए। अरे कम से कम आप जो है ना घर से निकले हो तो जिनवानी सुनने के लिए निकले ना। अब दुकान पे जाओगे तो कुछ और ही कुछ करने निकलोगे ना। वो चलो तुम करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो शिकार करने के लिए निकला। तो हिरणों का झुंड मिल गया, हिरणों का झुंड मिला तो बांध छोड़ा, बाण पीछे वालों ने भी छोड़ा, और बाण लगने लगे और हिरण तड़फने लगे, हिरण भागने लगे, कुछ मरमर के गिरने लगे, कुछ घायल होके तड़फने लगे, और उनको और मारने में इतना शौक है, जो मर रहे हैं गिर रहे हैं और खूब हंसी, वाह क्या निशाना लगा है, क्या निशाना लगा है, आगे आगे बढ़ रहा है। उन हिरणों को चीतते हुए, उन घरों हिरणों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहा है। आगे एक उद्यान आ गया, उद्यान जैसे आए तो वहां कुछ हिरण जो दौड़े दौड़े गए हैं, भाग रहे हैं, भागते भागते एक मुनिराज है गर्दभाली, उस गर्दभाली मुनि के चारों तरफ झुंड बना लिया। हिरण खड़े हो गए, वाह, क्योंकि देखो रे एक से भाग रहे हैं और एक के पास जाकर खड़े हो रहे। देखो जो बचाने वाला है, जिसमें मैत्री भाव है, करुणा भाव है, ये भाषा जानवर भी समझता है, ये हमें मारता नहीं है। उसके चारों तरफ खड़े हो गए, कांप रहे हैं, और कुछ तो गर्दभाली मुनिराज को देख रहे हैं। ये दृश्य देखा है संजय ने, घोड़े पर सवार है, जब देखा कि एक महामुनिराज साधना रत हैं और सारे हिरण उनके चारों तरफ खड़े हैं, एकदम धक्का लगा। धक्का यूं लगा कि लगता ये सारे के सारे हिरण इनी मुनिराज के हैं, और ये इतना बड़ा तपस्वी है, इसकी नजरों में इतनी आग हो सकती है, अगर ये आग खोल दे और इन्हें क्रोध आ जाए तो मैं यहीं जलकर भस्म हो जाऊंगा। अपनी जिंदगी को बचाने के भाव से वो डरने लगा, कांपने लगा, और महात्मा नी आंखें खोले उससे पहले बोल पड़ा, गुरुदेव माफ करना, मुझे नहीं मालूम था ये हिरण आपके हैं, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे आप श्राप मत देना, मुझे कोई अभिशाप मत देना, मेरे ऊपर कोई ऐसी शक्ति का प्रयोग मत करना कि जिसकी वजह से मैं मर जाऊं। डरने लगा, कांपने लगा, महात्मा ने ध्यान खोला और देखना महात्मा निश्चिंत खड़ा है, राजा होते हुए भी राजा कांप रहा है डर के मारे। बताओ क्यों? क्योंकि मारने वाला डराने वाले को डरना ही पड़ता है, जो डराता है उसे डरना ही पड़ता है। जो किसी को मारता नहीं, किसी को डराता नहीं, वो गर्दभाली मुनिराज की तरह खड़ा हुआ रहता है। मुनिराज ने इतना ही कहा, मेरे से डर मत, लेकिन जिस तरह तू डर रहा है इसकी तह में जा, तू क्यों डर रहा है? जब तेरे ऊपर पड़ने लगी, तू इन पशुओं को मारे जा रहा था, ये भी तो तेरे से डरे हुए थे, पशुओं को मारे जा रहा था, और जब तेरे ऊपर आई, जब तुझे लगने लगा कि मैं मारा जाऊंगा,
तो तू किस तरह कांप रहा है? जिस तरह तू कांप रहा है इस तरह ये भी जीव कांप रहे। इनके कंपन से अपने कंपन को चेक कर, इनके डर से तू अपने डर की खोज कर। तू जीना चाहता है ना, तू मरना नहीं चाहता ना, इसलिए तू डर रहा है ना। तू ये भी जीना चाहते जिनको तूने मारा है या मारने के भाव आए हैं तेरे अंदर, ये जब कंपन महसूस किया और गुरु की सन्नति अनुभव करी, तुरंत उसको वैराग्य हो गया, तुरंत समझ गया। और समझा ही नहीं, उसी जंगल के अंदर राज्य गद्दी का त्याग कर दिया और क्या बन गए? मुनिराज बन गए, संत बन गए। ये परिवर्तन है, ये जीवन का। जो ही बोध जगा, बोध जगते ही आत्म बोध हुआ, पता लग गया कि इस हिरण में वही आत्मा है जो मेरे अंदर है, ये बोध जगा। और मौत के डर से कितना कांप रहे हैं और मैं कितना कांप रहा हूं, मैं जब तक मारूंगा डरता ही रहूंगा, आज से मारना ही छोड़ देता हूं, आज से किसी को भयभीत करना ही छोड़ देता। इसलिए मेरी माताओं, मेरी बहनों, आप लोगों की समाज के अंदर क्या रेपुटेशन है, ये सोच करके चेक करना, आप लोग भी चेक करना। आप ज्यादा दादागिरी दिखाते हो कि मैं समाज में जब आता हूं तो सब डर जाते हैं, ये काहे को, काहे को रे, इतनी धौंस पट्टी किस लिए? आपको समझना है कि अगर मुझे नहीं डरना है तो पहला संकल्प ये लेना है कि मैंने आज के बाद किसी को डराना नहीं है। ये संकल्प आप लोगों को लेना चाहिए। ये प्रेरणा मिली और आपने इस अध्ययन के अंदर देखा है कि बड़े बड़े चक्रवर्ती, 10 चक्रवर्ती, जिसके अंदर हमारे 24 तीर्थंकरों में 3 तो तीर्थंकर हैं। कौन कौन से? अरहनाथ, कुंथुनाथ और शांतिनाथ। ये 3 तो तीर्थंकर जो हुए हैं वो चक्रवर्ती हैं। और जो मैं पाठ कभी कभी मैं सुनाता हूं, चैता भारम वासम चक्रवर्ती मही ढियो संती संती करे लोए पत्तो गई मनोत्तरम, ये जो गाथा बोली जाती है वो इसी अध्ययन से ली गई है। ये भगवान शांतिनाथ का है, कुंथुनाथ का नहीं, अरहनाथ का नहीं, शांतिनाथ का है। 3 तीर्थंकरों में से ये गाथा ली गई है। वो इसलिए ली गई है कि चैता भारम वासम, भारत वर्ष के यानी चक्रवर्ती का पद छोड़ दिया। चैता भारम वासम चक्रवर्ती मही डियो, चक्रवर्ती जैसी महान रिद्धि का त्याग कर दिया। ये सोच करके, क्या सोच करके, कि चक्रवर्ती की सुख सुविधा और समृद्धि में वो आनंद नहीं है जो आनंद आत्मा के अंदर आ सकता है। उस आनंद को पाने के लिए, मुक्ति का आनंद पाने के लिए राज गद्दी को दाव पर लगा दिया, चक्रवर्ती के पद को दाव पर लगा दिया। कि चक्रवर्ती का पद दाव पर लगाने के बाद अगर मुझे मुक्ति मिलती है तो ये सस्ता सौदा है, ये सस्ता सौदा है। ये भाव आए और मुक्ति के अंदर गए। तो ये जो 18वां अध्ययन है हमको कई प्रेरणा देता है, संबोधन देता है। ओम शांति, ओम शांति।